स्वागत है आपका सिटी चैनल में। सिटी रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं सरिता रावत। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर यूं तो हर वर्ष अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए कई सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन सेमिनारों के प्रति अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की रुचि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा जिला हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में 10 दिवसीय सेमिनार के दौरान देखने को मिला। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए गए शिक्षा में गुणवत्ता व कुशल प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण शिविर में अध्यापकों, मुख्य अध्यापकों व प्रधानाचार्यों की बहुत कम उपस्थिति होने के चलते केंद्र सरकार से आ रहे बजट का सदुपयोग नहीं होते दिख रहा है। हर साल इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, परंतु शिविर में अध्यापकों, मुख्य अध्यापकों व प्रधानाचार्यों की रुचि न होने के कारण शिविरों का लाभ धरातल पर मिल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि जिला हमीरपुर में 502 के करीब स्कूल हैं और इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नई तकनीक व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए प्राध्यापक जगदीश कौशल ने बताया कि स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न पाठशालाओं के प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और सीएसटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूलों में लीडरशिप डेवलप करने के लिए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो कुल्लू में इसकी ट्रेनिंग लेकर के आए थे, जो आगे इन 21 लोगों को आगे ट्रेन कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। नूरपुर के मलकवाल में वीवीएम नर्सिंग कॉलेज के नए सत्र की शुरुआत पर एक फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई, जिसमें कॉलेज की पुरानी छात्राओं की ओर से नई छात्राओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर नई छात्राओं के लिए विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नूरपुर के मलकवाल में बीबीएम नर्सिंग कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत पर नई छात्राओं के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस फ्रेशर पार्टी के दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर लोगों का मनोरंजन किया। इस मौके पर कॉलेज निदेशक राकेश पठानिया ने बताया कि पुराने बैच द्वारा नए बैच के बच्चों का स्वागत किया गया और इसमें पुराने बच्चों द्वारा नए बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए। पार्टी है जो पिछले साल के बैच, उन्होंने इस साल के नए बैच को रिसीव किया है और उनको गिफ्ट दिए और उनके साथ सेलिब्रेट किया है। एक किस्म से नए बैच का ये स्वागत समारोह है, जिसमें नए बच्चे जो इस साल कॉलेज में आए हैं उनके लिए एक किस्म की रिसेप्शन और एक उनकी स्वागत और एक उनकी फ्रेशर्स पार्टी जिसको हम कहते हैं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। जिला सोलन के सुबाथू में बुधवार को एक सरकारी स्कूल में आग लग गई। अचानक लगी इस आग में स्कूल का पुराना सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि आगजनी की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। स्कूल के बच्चों व छावनी कर्मचारियों द्वारा 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। सोलन जिला के सुबाथू में सरकारी स्कूल में आग लगने से एक इमारत जलकर राख हो गई है। छावनी परिषद, सबाथू सेना व सोलन से आई फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन इमारत सहित लकड़ी का पुराना सामान जलकर राख हो गया। स्कूल की कार्यकारी प्रधानाचार्य संगीता भट्टी ने कहा कि सुबह करीब 10 बजे प्रार्थना के बाद अपनी कक्षाओं में बच्चों के जाते ही स्कूल के बाहर एक व्यक्ति ने स्कूल के पीछे बने भवन में आग लगने की सूचना दी। अचानक 10:30 बजे जब हम प्रेयर करके हटे तो एकदम से आग धू धू करके जलने लगी। हम खुद परेशान हो गए कि क्या हुआ। बच्चों को हमने रोक दिया, बाहर बिठा दिया और जो हमारे पास पानी वगैरह जो कुछ भी था वो हमने निकाल के अपने यूज़ करने शुरू किए। पुलिस को और फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर दिया था तो समय रहते बचाव हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर लकड़ी वगैरह काफ़ी सामान था, पुराना फर्नीचर, क्योंकि पुराना स्कूल है काफ़ी, तो वो सब पड़ा हुआ था। पुराना फर्नीचर वगैरह पुराना रहता था, हॉस्टल होता था ये पहले ना, तो वही सामान रखा हुआ था इसमें, काफ़ी पड़ा हुआ था। ये नहीं हम बता सकते क्योंकि आग एकदम तो लगी नहीं है, ये पहले से थी, क्योंकि ये खुला है, फेंसिंग कहीं नहीं है, चारों तरफ से दीवारें नहीं हैं, तो मैं भी पहले भी यहाँ पे अराजक तत्व बैठे रहते हैं, सिगरेट वगैरह और ड्रिंक वगैरह करते रहते हैं, तो हमें नहीं एग्जैक्ट आइडिया कि क्या हो सकता है।
आग की सूचना देने वाले व्यक्ति रूपलाल ने कहा कि जब वे स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो वहां से बहुत धुआं आ रहा था। पास जाने पर देखा तो स्कूल के भवन में आग लगी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन को दी। एकदम से देखा था धुआं धुआं हो रहा था, मैं कहां से हो रहा है, मैं सोचा कूड़ा कोई फूका होगा, तब जाके मैंने जाके अंदर जाके बताया, मैं कहा सर वहां आग लगी, देखा तो वहां सब दौड़े आदमी सारे स्कूल के बच्चे स्टाफ और सारे। ये कौन सी बिल्डिंग में आग लगी? ये हॉस्टल में। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल व राज्य पुरातत्व भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा विश्व विरासत सप्ताह के अंतर्गत गेटी थिएटर में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के मंदिरों, किलों, पुराकृतियों तथा भवनों के लगभग 200 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। शिमला के गेटी थिएटर में विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल व राज्य पुरातत्व भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छायाचित्र प्रदर्शनी 19 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में 222 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृति के पुरातत्व अभियंता सीएल कश्यप ने छायाचित्र प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा कि इस सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गेटी में जगह की कमी के चलते वो अन्य छायाचित्रों को प्रदर्शनी में नहीं लगा सके। इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश में प्रचलित निर्माण की विभिन्न शैलियां दिखाई गई है, जिनमें पहाड़ी शैली, शिखर शैली, मंडप शैली, गुंबद शैली और पहाड़ी किला शैली प्रमुख है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपने 40 मॉन्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स और उनकी हिस्ट्री लगाती है। जो बाकी जो स्टेट में जितना भी हेरिटेज है, उस हेरिटेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार होती है, तो उस सारे हेरिटेज को हम दिखाते हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से, और हमने यहाँ 222 फोटोग्राफ्स डिस्प्ले की है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव संजय गुप्ता ने किया। इस रक्तदान शिविर में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान द्वारा एक जीवन को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। हम रक्तदान करके न केवल एक जरूरतमंद रोगी को जीवन दान देते हैं, अपितु स्वयं भी स्वस्थ शरीर व मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बुधवार को हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव संजय गुप्ता ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारम्भ अवसर पर कही। रक्तदान शिविर का आयोजन हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की शिमला शाखा व सतलुज जल विद्युत परियोजना लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। संजय गुप्ता ने कहा कि रक्तदान शिविरों के आयोजन द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपचाराधीन जरूरतमंद गरीब मजदूरों के लिए खून की कमी को पूरा करने में मदद ही नहीं, अपितु सामूहिक रक्तदाताओं द्वारा इस पुनीत सेवा कार्य में अपना योगदान देने से अन्य नागरिकों को भी प्रेरणा मिलती है। चाहते हैं कि इस तरह के कैंप्स और लगें और कोशिश करेंगे कि बाकी स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह के कैंप्स लगते रहें ताकि ये दिक्कत ना आए। राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा आलूवालिया ने बताया कि महाविद्यालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। हमने 2-3 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, बच्चों को अवेयर भी कराया, ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता, ये सब बताया डॉक्टर्स के द्वारा भी यहां पर हमने। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं के अतिरिक्त महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं, कर्मचारियों तथा पूर्व आरकेएमवी छात्रा संगठन की सदस्यों ने भी रक्तदान किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में आए दिन आवारा कुत्तों और बंदरों के उत्पात से लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बुधवार को शिमला शहरी और ग्रामीण युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि नगर निगम के महापौर और उप महापौर को बर्खास्त किया जाए।
शिमला शहर में आए दिनों आवारा कुत्तों व बंदरों की समस्या के साथ साथ समय समय पर पानी न मिलने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बुधवार को शिमला शहरी युवा कांग्रेस, शिमला ग्रामीण व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और सरकार से नगर निगम के महापौर व उप महापौर को बर्खास्त करने की मांग की। शिमला शहरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश सहनी ने कहा कि शिमला में समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादों को महापौर व उपमहापौर ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र में हर वार्ड में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाना, पानी व सीवरेज की सुचारू व्यवस्था बनाए रखना व पार्किंग का निर्माण करवाना था। आकाश सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर व उपमहापौर निगम के पैसे से विदेशों का दौरा करते हैं। आकाश सैनी ने कहा कि शिमला शहरी युवा कांग्रेस 17 वार्डों और शिमला ग्रामीण के साथ लगते सभी क्षेत्रों में जाएगी और नगर निगम की कार्यप्रणाली से लोगों को अवगत करवाएगी। शिमला में जो समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है निरंतर, जो इन लोगों ने वादे किए थे, चीख चीख कर ये जो मेयर साहब हैं हमारे वो सब वार्डों में गए थे। इन्होंने कहा था कि शिमला शहर में जो है पार्क की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, प्रत्येक वार्ड के अंदर बच्चों के लिए ग्राउंड्स होंगे, पानी और सीवरेज की सुचारू व्यवस्था होगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हम तो बोलते हैं आप एक भी ऐसा काम, मेयर साहब से हम दरखास्त करते हैं कि वो एक भी ऐसा काम शिमला की जनता को जो उन्होंने विकास का कार्य समर्पित किया है वो एक भी काम ऐसा गिना दें तो युवा कांग्रेस जो है आपका धन्यवादी होगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। जिला सोलन के धर्मपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बुधवार को 725 वर्ग मीटर पर 2 करोड़ 28 लाख की लागत से निर्मित इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। सोलन के धर्मपुर में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये एक सौभाग्य का दिन है कि 108 राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को प्रदेश का एकमात्र अपना इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर मिल गया है। इस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 4 जिलों किन्नौर, शिमला, सोलन व सिरमौर को 40 गाड़ियां अपनी सेवा देगी। 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाना व शिशु के जन्म के उपरांत मातृ शिशु को घर तक निःशुल्क छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 40 गाड़ियों पर 6 करोड़ 15 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसीलिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा 108 का मुख्य कार्यालय खोला गया है, यहाँ से सारा हिमाचल प्रदेश कंट्रोल हो रहा है। हिमाचल के किसी कोने से भी जब 108 में कॉल आती है एकदम उस पर एक्शन होता है, यहां से रिस्पांस होता है और जहां का एड्रेस दिया जाता है वहां 108 एम्बुलेंस जो है एकदम पहुंचती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेस बन गया जो हिमाचल को कंट्रोल कर रहा है। यहां से चाहे कहीं से भी हो, जब 108 गाड़ी लेकर के आती है वो हॉस्पिटल में पहुंचाएगी, चाहे फासला कितना दूर की ना हो, हमने फैसला कर लिया है। अब हमने 32 108 गाड़ियां जो है दूर के डिस्टेंस के लिए भी क्रिटिकल केयर मरीजों को ले जाने के लिए कर दी है और पीजीआई भी आपको पेशेंट को ले जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेश का सौभाग्य है कि जगत प्रकाश नड्डा को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा अन्य कार्यों को गति प्रदान करने में अपना सहयोग देंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल के तहत पड़ने वाले गानवी गाँव में आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। मंगलवार रात हुई इस आगजनी में 2 बुजुर्ग नेपाली मूल के दंपत्ति भी आग की चपेट में आ गए, जबकि 80 वर्षीय मकान मालिक केसमणि को लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे झाकड़ी पुलिस थाना के तहत गानवी गांव में लकड़ी के 2 मंजिल मकान में आग लग गई।
घटना के वक्त मकान मालकिन केसमणि और नेपाली मूल के दो बुजुर्ग दंपति किरायेदार मौजूद थे। माना जा रहा है कि आग मकान के साथ बने रसोई से हवा के कारण मकान की ओर फैली होगी, जिससे लकड़ी के बने मकान को चंद ही क्षणों में पूरी तरह घेर लिया। आग का पता चलते ही स्थानीय लोग बचाव के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन नेपाली मूल के 65 वर्षीय बुजुर्ग बहादुर प्रसाद और उसकी 60 वर्षीय पत्नी देवकी जलकर राख हो गए। दोनों गानवी में रहते थे और केसमणि के किरायेदार थे। लकड़ी के मकान ने आग इतनी तेज पकड़ ली कि बुजुर्ग दंपति को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन मकान मालकिन केसमणि को बड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर लोगों ने बचा लिया। प्रशासन की ओर से रामपुर के SDM दिलीप नेगी और रामपुर के DSP सोमदत्त मौके पर पहुंचे। दिलीप नेगी ने बताया कि आग में झुलसे नेपाली दंपति के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए दिए गए। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती प्रदेश भर में मनाई गई। इसी के चलते बुधवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि समारोह में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती को प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के चलते बुधवार को ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। उनके हम चिन्हों पे चलेंगे। गरीबी उन्मूलन उनका सबसे बड़ा ध्याय था। उन्होंने जितने भी हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में फैसले किए वो हिस्टोरिकल है, वो स्मरणीय है, उसको युग युग तक हम याद रखेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल, विधायक किशोरी लाल, उप महापौर टिकेंद्र पवन, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा जैनब चंदेल, हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, नगर निगम के पार्षदों, पूर्व महापौर सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त पंकज राय, सहायक आयुक्त सचिन कंवल, वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य लोगों और स्कूली छात्रों ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला हमीरपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि CPS इंद्रदत्त लखनपाल ने शिरकत की। इस मौके पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और देश के विकास में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता और उनके पद चिन्हों पर चलने की हमेशा कोशिश की जाएगी। इसमें सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे उन्होंने सभी ने पूरी गर्मजोशी से भाग लिया और इंदिरा गांधी जी की जो स्मृतियाँ हैं उनका जो इस देश के लिए योगदान है उसको याद किया गया और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की हमने यहाँ पर आज शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। भाजपा द्वारा ठियोग हाट कोटी खस्ताहाल सड़क के विरोध पर 14 नवंबर को रोहडू से शुरू की गई संघर्ष यात्रा बुधवार को शिमला पहुंची। इस सत्याग्रह यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व अन्य वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। भाजपा द्वारा 14 नवंबर को रोहडू से शुरू की गई संघर्ष यात्रा बुधवार को शिमला पहुंची। इस सत्याग्रह यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा में भाग लिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा ने कहा कि ठियोग हाटकोटी सड़क निर्माण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2007 में ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए, जबकि सड़क निर्माण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ना तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ली और न ही निजी भूमि मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किया और न ही सड़क निर्माण में लगने वाले खड़े पेड़ों को काटने की अनुमति ली। उन्होंने कहा कि ठियोग हाटकोटी सड़क के निर्माण के लिए भाजपा अब निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और यदि शांतिपूर्वक किए गए इस आंदोलन और यात्रा से भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो अगले चरण में भाजपा उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधि नेता जिम्मेदार होंगे।
और जो सड़क हाल है वो बदतर हो गई है। तो हमें समझ नहीं आता कि दो साल में ये सरकार कर क्या रही है, कुछ भी नहीं हुआ। जो थोड़ा काम हरे वक्त में हुआ था उसका भी सत्यानाश मार दिया है। इसलिए हमने शांतिपूर्वक सत्याग्रह के माध्यम से जो पद यात्रा हुई है ये ऐतिहासिक ही नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यात्रा की गई है। हमने PIL भी ने दायर किया है क्योंकि हमें लगता है कि जो सरकार का रवैया है बहुत उदासीन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला के ढली में सत्याग्रह यात्रा का स्वागत किया। सचमुच में साबित कर दिया है कि वे वहाँ के जन नायक है, जन नेता है, तो जनता की समस्या का समाधान चाहते हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, उनका शिमला में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो हवा में उड़ रही थी वो जमीन पे आएगी और फिर जल्दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा के इस सत्याग्रह यात्रा को महज प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने कहा कि जिस सड़क को लेकर भाजपा आज संघर्ष कर रही है वो सड़क उनके कार्यकाल में भी नहीं बनी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठियोग हाटकोटी सड़क वर्ल्ड बैंक की है तथा उन्हीं के द्वारा ठेकेदार रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी तब उन्हें इस सड़क का ध्यान क्यों नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा चंडीगढ़ की कंपनी चड्डा एंड चड्डा को इस सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य दिया गया है। ये बिल्कुल जो कर रहे हैं वो मैं देख पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आपको मालूम है जिस सड़क को देखे उन्होंने ये एजिटेशन किया, ये 4-5 साल उनके वक्त में जी बनी है। ये जो है वर्ल्ड बैंक सड़क है द्वारा पोषित सड़क है और इसके जो ठेकेदार हैं वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही मुकर्रर हुए हैं जी। हिमाचल की सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। और पहले एक चीनी कंपनी को दिया और उसको वो भी काम ठीक कर रहे थे। उनकी कठिनाई हुई कि जो भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए था सड़क की चौड़ाई करने के लिए जी, वो नहीं हुआ वक्त पर। तो चीनी कंपनी ने जहाँ सरकारी भूमि थी वो तो पूरी काट दी, जहाँ प्राइवेट भूमि थी वो वहाँ नहीं बना सके। 5 साल जिस सत्ता में रहे उस वक्त उनको इस सड़क का ख्याल नहीं आया। ये सड़क तो 3 साल में बन के इसके ऊपर जो है काम हो रहा है। अब एक दूसरी कंपनी को वर्ल्ड बैंक ने ठेका दिया है, उसका नाम है CNC चड्डा एंड चड्डा। ठीक से काम नहीं करेंगे भी हम कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके। इसमें जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, जुलूस तो उनका निकालना चाहिए हमको जिन्होंने 5-7 की सड़क नहीं बनाई। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जिला पुलिस के सौजन्य से नूरपुर के साथ लगते जसूर स्थित HRTC की वर्कशॉप में निशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नूरपुर के साथ लगते जसूर में स्थित HRTC वर्कशॉप में निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा एवं नेत्र चिकित्सा कैंप में स्थानीय लोगों के साथ साथ नूरपुर स्थित लगभग सभी कार्यालयों के कर्मचारियों खासकर चालकों के स्वास्थ्य व आंखों की निशुल्क जांच की गई। इस मौके पर नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा गतिविधि योजना 2006 के तहत लोगों के स्वास्थ्य का निशुल्क चेकअप किया जा रहा है। मनोज जोशी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उपमंडल स्तर पर ड्राइवरों का निशुल्क चिकित्सा व नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। रोड सेफ्टी योजना 2006 के तहत जिला कांगड़ा पुलिस ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हर उपमंडल स्तर पर ड्राइवर्स के लिए फ्री नेत्र चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा के कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ आज जसूर में ये आयोजन किया गया। इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया, बहुत से ड्राइवर्स ने, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स, प्राइवेट ड्राइवर्स, टैक्सी यूनियन के ड्राइवर्स, ट्रक यूनियंस के ड्राइवर्स आए और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके नेत्र चिकित्सा की तथा स्वास्थ्य चिकित्सा किया। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। IGMC रोगी कल्याण समिति की बैठक में समिति द्वारा टेस्टों की फीस को कई गुना बढ़ाने के विरोध में CPIM द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। CPIM की लोकल कमेटी के सचिव विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर यूजर चार्जेस नहीं लगाने चाहिए और सरकार को उस पर बजट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है और साथ ही यहां जन सुविधाओं का भी अभाव है। अस्पताल में टेस्टों की फीस PGI से भी अधिक है। नहीं चलेगी।
पिछले दिनों आईजीएमसी की रोगी कल्याण समिति की जो बैठक हुई उसमें जो टेस्टों की फीस है उसको कई गुना बढ़ाने की जो वहाँ पर वकालत की गई उस पर निर्णय लिया गया और ये फीस इसमें बढ़ोतरी जो है लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है और इसलिए जो है हमारी पार्टी इसका जो है विरोध करने आई है। और हमारी पार्टी सदा से ये कहती रही है कि स्वास्थ्य एक जन उपयोगी सुविधा है और स्वास्थ्य जैसी चीज़ पर जो यूजर चार्जेस नहीं लगने चाहिए। स्वास्थ्य जो है वो सरकार का काम है उसको देना और सरकार जो है उस पर बजट बढ़ाए हर आदमी को जो मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा दे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जब से रोगी कल्याण समिति खासतौर पर आईजीएमसी के अंदर बनी है ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जहाँ पर टेस्टों की फीसों को लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से वंचित करने की कोशिश की जा रही है आम जनता को इलाज से। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। चाइल्डलाइन संस्था शिमला द्वारा दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में बुधवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। संस्था की समन्वयक मीनाक्षी कौर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की निशुल्क सेवा की भी जानकारी दी गई। आज हमारा जो है दूसरा दिन है, ये जो हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने यहाँ किया है उसका लगाने का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो बच्चों के हैं और ये जो है इसके साथ चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में भी सभी को इसके बारे में ज्ञान हो कि 1098 क्या है। इसके लगाने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ पे बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली जो है 1000 से ऊपर इसमें साइन हुआ था। आज का दिन भी अभी जो सुबह से लेकर हमने अभी तक लगाया है कम से कम इसमें 300 के करीब करीब लोगों ने इसमें अपना हस्ताक्षर किया है। इसके लगाने का मकसद ये है कि हम लोग जो है चाइल्ड से दोस्ती वीक मना रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसका ये जो है हमने इसमें लगाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की है जो कि हम लोगों ने जैसे आश्रम में जाके पेंटिंग कॉम्पिटिशन किया था और हम लोगों ने टैक्सी ड्राइवर और बसेस वालों को भी हमने 1098 के रिगार्डिंग जो है अवेयर किया था। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के संक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।